राधे राधे बच्चों। तो सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा फोन में? चलिए तो पहले हम लोग रिवाइज करते हैं। जैसा मैं हमेशा करता हूँ, जब भी नई क्लास स्टार्ट करूंगा ना, तो जो पिछले टर्न पे हम लोगों ने पढ़ रखा है, सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। और जो कल हमने बेटा एक घंटे पूरा अपना खराब किया था ना, वो हमने केवल पढ़ा कितने मिनट का था, 5 मिनट का ही। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या बातें की थी? सर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट की, तो बेटा कितने कोऑर्डिनेट निकल के आए थे? 4 कोऑर्डिनेट थे, है ना। और मुझे आप लोग बताओगे, अच्छा ऐसे बिना लिखे मैं बातें करता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कहानी थी? दोनों नंबर, सारे बच्चे बोलेंगे, दोनों नंबर क्या होते थे? पॉजिटिव होते थे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे आप बताओ, सोच के बताना, एक्स चला जाता था एक्स डैश में, तो एक्स तो हो जाता था माइनस का और वाई किसका रहता था? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में तीनों नेगेटिव रहते थे, और फोर्थ में सर एक्स पॉजिटिव होता था और वाई क्या होता था? नेगेटिव होता था। सारे बच्चे नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है। देखिए ऐसे ही बात की थी हम लोगों ने, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जब तक पुराना नहीं समझ में आए ना, तो आगे नहीं चलना। अगर आपने अरे ठीक है बाद में आ जाएगा, तो कभी नहीं आएगा। हम आगे तभी बढ़ेंगे जब जो हमने पिछली क्लास में पढ़ाया वो बिल्कुल क्या होगा, क्लियर होगा। आप लोगों के चेहरे देख के लग रहा है कि अभी पूरा एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। ये भाई सब भी चालू हो जाए। कमेंट वाला सेक्शन उठ के क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, बहुत दिन से यूज नहीं किया ना, तो ऑप्शन ही भूल गया था। सबको बेटा दिख रहा है? चलिए तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे बेटा, एक बार मुझे याद कराना मैं सही बता रहा हूँ या गलत। ये कौन सी एक्सेस होती थी और ये कौन सी होती थी बेटा? वाई एक्सेस। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे एक्स डैश एक्सेस और ये वाई डैश एक्सेस। जब मैं डैश बोलूंगा तो वो वाला पार्ट बेटा कैसा होगा हमारा? नेगेटिव होगा, और बाकी का क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये 1 होगा, ये 2 होगा बच्चे, ये 3, ये 4, ये 5। सबको सही दिख रहा है ना? और यहाँ पे ये भी 1, 2, 3, 4। बट मैं जब x डैश में बात करूंगा बच्चे, तो ये कैसा हो जाएगा? सर आप 0 तो लिखते ही नहीं हो बेटा। ये जो है ना, ये 0 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, 0। क्या होंगे बच्चे? 0, 0। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेता हूँ, ध्यान से लिखना बच्चे। एक यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा, तो कोई मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताएगा क्या? सर पहले हमेशा एक्स बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं? वाई। 4, 2। बेटा आप इस क्वाड्रेंट में कहीं पे भी कोई पॉइंट रखें, सारी वैल्यू कैसे आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हमने ऐसे भी बात की है, पहले एक्स आएगा फिर कौन आएगा बच्चे? अब मुझे बताओ कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो जहां पे आपका दिल करे बेटा वहां पे। पहले एक्स, तो एक्स क्या आ रहा है? माइनस में। ठीक है, और वाई किसका आ रहा है बच्चे? प्लस का आ रहा है। ठीक है, तो ये -4, 3। बट जनरल बात करें
तो बेटा x माइनस का होगा और y किसका होगा प्लस। क्लियर है ना इतनी बात। नेक्स्ट बेटा फिर मूव करें हम थर्ड वाले में। तो थर्ड वाले में यहाँ पे बताना बच्चे, ये सारी वैल्यू किसकी लिखी हुई है, माइनस की। तो यहाँ पे x भी माइनस का है और y भी किसका है, माइनस का है। तो बस आपको याद रहना चाहिए, अब ये बिल्कुल याद, इतना सोचना नहीं चाहिए। तुरंत मैं बोलूँ थर्ड क्वाड्रेंट में तो आप बोलेंगे दोनों वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। सर इसका यूज होता है क्या? हाँ, जब बच्चे इक्वेशन पढ़ेंगे या डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो कह देता है कि जो सॉल्यूशन आ रहे हैं ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है बच्चे कि एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव लेनी है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुना था क्या बचपन में कभी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन आते थे? तो बेटा एक पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, या दोनों नेगेटिव भी हो सकते थे। तो अगर वो कह रहा नहीं नहीं मुझे एक्स की वो वैल्यू चाहिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, तो यानी इसका मतलब बच्चे एक्स की कैसी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। कैसी चाहिए? अगर वो कहे नहीं मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए वो थर्ड क्वाड्रेंट वाली चाहिए, तो बच्चे कैसी मांग रहा है, वो नेगेटिव मांग रहा है। यहाँ पे बताओ क्या लिखूं मैं, माइनस सही लिख रहा हूँ, फिर प्लस? सर भूल जाते हो आप, पहले एक्स आता है फिर क्या आता है, वाई आता है। और यहाँ पे सर आप कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए, एक्स कैसा है पॉजिटिव और वाई कैसा है, यही पढ़ा था बच्चे। इसके बाद हमने डिस्कस किया था, कौन बता रहा है, आप बता रहे हैं। इसके बाद सर हमने पढ़ा था इवन नंबर, बताएंगे सर डिविजिबल बाई टू। और डिविजिबल का मतलब है बच्चे इंटीजर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पॉइंट वाला नहीं चलेगा। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इवन नंबर डिविजिबल बाई टू, ऑड नंबर, ठीक है बेटा, नॉट डिविजिबल बाय टू, क्या कह सकते हैं, अदर देन इवन नंबर। फिर बच्चे इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था प्राइम नंबर। तो कौन होते हैं प्राइम नंबर? सर जो खुद से एंड किससे बच्चे, वन से डिविजिबल हो, तो वो क्या हो जाता है, प्राइम नंबर। तो सर हमारे प्राइम नंबर आए थे 2, 3, 5, 7, 9 लिख लूं क्या? नहीं, 11, 13, 17, 19 ऐसे ही बेटा चलेगा, ठीक है। ये मैंने कल डिस्कस नहीं किया था, जनरली पूछा भी नहीं जाता है, तो वो मैथ में बहुत सारे पार्ट है, मैं वही पार्ट डिस्कस करूंगा आपके साथ जो हमारे सिलेबस में आता है, ठीक है। एक होता है कंपोजिट नंबर, ऐसे ही पूछ लेता हूं, कौन से नंबर बच्चे, कंपोजिट नंबर। तो कहते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है ना उनको छोड़ देते हैं, तो बाकी नंबर क्या होते हैं, बट बेटा वन इकलौता है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही क्या है, कंपोजिट है। देखो वन प्राइम नंबर में भी नहीं आया और वन किस में भी नहीं आया बच्चे, कंपोजिट में नहीं आया। तो लिखेंगे अदर देन, ये पूछा नहीं जाता है बच्चे, अदर देन प्राइम नंबर, पर इसमें तो क्या भी कवर हो गया, वन भी, ठीक है, एंड ऑल्सो एक्सेप्ट वन, हाँ एक्सक्लूडेड लिख दो, ये ज्यादा अच्छा वर्ड आ रहा है, ऑल्सो एक्सक्लूडेड वन। बेटा ऐसा नंबर है ना तो ये क्या है, प्राइम है और ना ही ये क्या है, कंपोजिट है, दोनों नहीं है बेटा ये। तो एक वर्ड बस ये लिख लो, कंपोजिट लिख लो और वन के लिए लिख लो। सर क्या ये सिलेबस में कहीं गिवन है? नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सीधे रेशियो से, बट हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि कभी कुछ पढ़ रहे होंगे बीच में, क्या होते रहेंगे बेटा ये टर्म आते रहेंगे,
तो ये चीजें हम लोग पहले ही कवर कर ले रहे हैं। बेटा तो आगे हम लोग अब पढ़ेंगे इंटीजर क्या होते हैं, फ्रैक्शन। ये तो सर पिछले टर्न का रिवाइज किया, इतना ही पढ़ा था, बाकी कुछ पार्ट था तो आप लोग मुझसे आगे पीछे ले गए थे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा कि नंबर कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, पावर कैसे चेंज होती है। तो सर आज के दिन क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे बेटा पूरा नंबर, मतलब जितने टाइप के नंबर होते हैं, मैं लिखूं आपके लिए तो रियल नंबर, फिर सर हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर, सर हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, हम लोग पढ़ेंगे बच्चे होल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर और रेशनल। अच्छा लिख लिया है तो बस बेटा इमेजिनरी, लास्ट कौन सा है? इमेजिनरी। ठीक है, एंड पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, पहले आपसे पूछूंगा कितनी अच्छी कैलकुलेशन है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, कुछ नहीं बताता हूँ, पहले आपसे पूछूंगा और कोई बोलेगा नहीं, मैं पूछूंगा कि आप लोगों ने क्या निकाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऐसे लिखा है 4 + 8 / 4 और आपको आंसर देना है कौन सा ऑप्शन आएगा, ए 3 है, बी 8 है, सी 6 है, डी क्या है अपना, नन ऑफ दी। नहीं नहीं गलत है, 6। बाकी लोग बताइए गलत है और क्या, कोई और ऑप्शन वाला है, 3 वाला कोई है, 8 वाला, 3 आएगा ना, ये 6 वाले गलत है, और कोई 6 है गलत है, 3 आएगा, कौन बोल रहा है 3 आएगा, और 3 आएगा, 3। अरे हम लोग आराम से पढ़ेंगे, रिलैक्स होके भाई, पहले तो दो ऑप्शन में बट गया, कुछ लोग 3 कह रहे हैं, कुछ लोग 6 कह रहे हैं, 6 वाले कितने हैं और 3 वाले कितने हैं? अरे भाई हमारा ऑप्शन है ठीक, हमें 3 लग रहा है, तुम्हारे हिसाब से 3 सही है। ठीक है बच्चे, 3 क्या है, गलत है। सही आंसर तो मैं तो बेटा फंसाऊंगा ही तुम्हें, नहीं तो अगर हाँ मुझे पता है 6 बोला, अगर मैं ये कह देता सही है तो कोई 3 नहीं बोलता, सब फिर क्या बोलते, नहीं सर 6 ही है, 6 ही है। तो यहाँ पे बच्चे गड़बड़ी क्या हो गई, हम लोगों ने जो वर्ड मास है वो अप्लाई नहीं किया। तो पहले हम लोग रूल लिखेंगे, इसके बाद देखेंगे कि हमसे गलती क्या हो गई है। चलिए बी का मतलब बताएंगे क्या होता है। सर बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं सर? एक होता है हमारा स्मॉल, एक होता है सर कर्ली, और एक होता है हमारा बिग, ऐसे ही होता था ना, कुछ और भी होता था मुझे याद नहीं, हाँ नहीं वो नहीं लेना, इतना इतना सफिशियंट है। क्या करना है बच्चे हमें, सबसे ये स्मॉल हो गया, ये कौन सा हो गया बेटा कर्ली, और ये कौन सा हो गया बिग हो गया। ठीक है पहली चीज हो गई ब्रैकेट, नोट कर रहे हो क्या? अरे लिख लेने तो फिर नोट करते हैं। वो क्या होता है, ऑफ होता है, या हम इसको और भी क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ पावर,
क्या भी बोलते हैं बच्चे, ऑर्डर ऑफ पावर, ठीक है। जनरली हम इसका सेंस यूज करते हैं ऑफ के लिए, जो कि अपने सिलेबस में कहीं पे यूज इसका है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जो ऑफ का यूज होता है वो अपने सिलेबस में कहीं पे आता ही नहीं, ठीक है। चलिए डी बताइए, डी क्या होता है? यानी बेटा सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर अगर ऑफ के सेंस में कुछ है तो वो करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, फिर बच्चे एम लिखा हुआ था क्या करेंगे, डिवीजन, फिर क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या लिखा था बच्चे, ए था तो ए से क्या आएगा बच्चे, एडिशन, और एस से क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन। अब नोट कर लो, अब फिर कुछ क्वेश्चन की बात करें। ये गारंटी है अगर आप बेसिक अच्छे से कर ले जाओ, बाकी मैं सिखा ले जाऊंगा। जब भी आप क्लास में अटकोगे ना तो पता है कहाँ अटक जाओगे, बेसिक। तो मैं याद दिलाऊंगा कि मैंने क्लास फर्स्ट में देखो ऐसी ऐसी बातें की थी और यही सेम चीज दोबारा से अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर कर्ली, और फिर कौन सा बच्चे, बिग ब्रैकेट ओपन करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में कैलसी लेके आना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के आप फिर क्या नहीं कर पाएंगे, परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्वेश्चन 60-70% किस पे ही कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे ही कर लेते हैं। जब सीख रहे होते हैं तब कॉपी पेन यूज करते हैं, और जैसे एक बार वो हम सीख लेते हैं फिर किस पे ही करने लगते हैं, कैलकुलेटर पे। डन। तो बच्चे इस वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या गलती कर ली थी, सर देखिए पहले कुछ बच्चों ने क्या कर लिया था, इसको ऐड कर लिया था, क्या कर लिया था, ऐड, जबकि होना क्या था, सर ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है, सीधे बेटा कहां पे आए, डिवीजन पे। तो ये सॉल्व होगा 4+, सबसे पहले बच्चे ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, 8/4 कितना होता है, आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अपने यहाँ इसमें ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती, छोटी कैलकुलेशन होती है, बस आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये पता होना चाहिए पहले किसका करना है, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं रहती है अपने पास। डन। इतना नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग करके बताइए मुझे, बोलेंगे नहीं, है ना, पहले सब लोग कर लेंगे फिर आगे बात करेंगे। तो सेकेंड पार्ट है हमारा 4×3+2×9/3, और ए ऑप्शन है 10, बी है 60, सी है 18, और डी है आपका नन ऑफ। बाकी लोग कंफर्म करिए बच्चे, 18 है, मेरा तो 10 आ रहा है, गलत तू पक्का, कोई है मेरा, मेरे साथ उम्मीदवार 10 वाला नहीं है, अरे कोई तो एक दो लोग हो जाओ, नहीं है। तो इसने यहाँ सबसे पहले क्या किया होगा बच्चे, डिवाइड किया होगा, यानी सर सबसे पहले हमने इस वाले पार्ट को क्या किया होगा, टैकल किया होगा, 4×3 2×, ये वाला पार्ट बताओ क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अब तो सर नॉर्मल हो गया इनटू, और ये इनटू है, अब ये ऐड मत करना, पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो
तो 4 इंटू 3 12 और 2 इंटू 3 6 कितना आ गया बच्चे डन। ये काम तो हम कैलसी पे भी करेंगे ठीक है, कैलसी पे कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे बाद में। आगे बढ़ जाऊं या किसी को पूछना है? नहीं पूछना है तो थर्ड का आंसर दो। थर्ड लिखा है ऐसे 2 इंटू 4 सॉरी 2 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 1। दो क्वेश्चन में एक साथ लिख रहा हूं तो ए पार्ट ये है और बी पार्ट में ऐसा लिखा है 2 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 1 और ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं 25 30 35। तो आपके दोनों के ऑप्शन बताने हैं नन ऑफ दीज। नहीं नहीं मतलब एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। ए का 25 बोल रहे हैं और बी का 30 बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता बाकी लोग बताएं। देखो मेरी क्लास में आप गलत बोलो चलेगा, बिल्कुल 10 बार गलत बोलो चलेगा। जिस दिन आपने बोलना बंद कर दिया मतलब समझ लीजिए उस दिन से मैथ आनी बंद। बाकी सब्जेक्ट में क्या आप टीचर मना करता रहे तब ज्यादा पूछता है बच्चा, अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैथ में कुछ पूछता ही नहीं है। तो मेरी क्लास में आप बोलते चलोगे साथ में करते चलोगे आता जाएगा, गलत करो चलेगा। तो कोई ए ऑप्शन में किसी का 30 आया है क्या? नहीं आया। अरे सर वही बड़ा सिंपल सा काम किया हम लोगों ने, 2 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 1। सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है, डिवीजन है नहीं है, क्या है बच्चे? मल्टीप्लिकेशन। तो 2 प्लस 24 तो बेटा कितना आ जाएगा? 26 माइनस 1। ठीक है क्या? अब मैं अगर बी वाले पार्ट की बात करूं तो बी वाला पार्ट क्या होगा? अरे सर ये तो इससे ज्यादा सिंपल क्या आएगा? अब बच्चे सबसे पहले क्या आता है? ब्रैकेट। और हमारे पास क्या ही अवेलेबल है? तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें पहले क्या होंगी? सॉल्व होंगी। तो 2 प्लस 4 कितना होता है और 6 माइनस 1 कितना होता है? बहुत लोगों को डाउट होगा पर अभी पूछ नहीं रहे हैं शर्म के मारे कि बाकी लोग हंस जाएंगे। पक्का क्लियर है? तो कभी ब्रैकेट लगा हो ना तो ब्रैकेट के अंदर की दुनिया अलग हो जाती है। जैसे घर में मम्मी क्या करती है? अच्छे से धम धम बाहर करती, मेरा बच्चा ऐसी आंखें दिखाती है, बाहर रोड पे ही कूदने लगती है, रोड पे केवल आंखें दिखाती है ना, और कहीं घर पे कुछ कर दिया शैतानी तो भैया। तो सेम कहानी यहाँ पे है। ये क्या है बेटा? ये हम लोग कहाँ पे हैं? अभी रोड पे हैं। तो नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है बस आंखें दिखाएंगे, ठीक है। और ये कहानी क्या है? घर के अंदर है तो सीधे बेटा निपटा दिए जाएंगे। तो पहले हमने क्या किया? ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट थे वो सॉल्व कर लिए, बाद में मल्टीप्लाई कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं और बंद कर दो। ये मौसम सबसे गंदा रहता है, थोड़े में गर्मी थोड़े में। नेक्स्ट लिखा है 9 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 6। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। कोई नहीं, जिसका जो भी आ रहा हो। पीछे आप लोगों को दिख रहा है सही से? देखो एक तो ए हो गया, एक नन ऑफ दीज हो गया। अब मुझे दो बंदे और चाहिए, एक कोई क्या बोल दे 3 और एक कोई क्या बोल दे 18, तो अपना काम चल जाएगा, चार ऑप्शन हो जाएंगे। नन ऑफ दीज, कितने लोग नन ऑफ दीज वाले हैं और कितने लोग वन वाले हैं? वन वाले कम है, बट करेक्ट आंसर क्या ही है इसका? वन वन वन। अभी देखना, मैं कुछ नहीं करूंगा, जैसा लिखा है मैं बस वैसे ही लिख दूंगा।
तो बेटा ये क्या लिखा है, डिवाइड है ना, तो 9 डिवाइड बाई 3 ऐसा लिख सकता हूं क्या, ऐसा लिख सकता हूं ना, इनटू का साइन, फिर बोलो बच्चे 2 डिवाइड बाई 6 ठीक है, ये बेटा 3 से 3 टाइम और 3 2 6 फिर से करूं क्या, पहले ये समझ में आया मैंने ये ऐसे कैसे लिख दिया, सर आप ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो बात तो एक ही है, तो 9 डिवाइड बाई 3 इंटू बच्चे 2 डिवाइड बाई 6 तो 9 इंटू 2 कितना होता है 18 और 6 इंटू 3 कितना होता है, आंसर कितना आएगा, हाँ वही किया है बेटा मैंने, आप बताओ आप जैसे लेके आए थे आप बोलो एक बार, पहले आपने 9 डिवाइड बाई 3 किया होगा तो कितना लिख लूं 3 इंटू, फिर क्या किया आपने 2 डिवाइड बाई 6 तो मुझे तो 2 डिवाइड बाई 6 को क्या बोल सकता हूँ 1/3 या सर ऐसे ही लिख लो ना आप, है ना बच्चे, तो ये 3 2 कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा, ठीक है, तो बस इस पार्ट होता क्या है, केवल एक चैप्टर है जिसमें ये कैलकुलेशन आती है, जैसे हम रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ेंगे ना तो वहां पे ये कैलकुलेशन क्या होती है बच्चे यूज हो, और यहाँ पे हम लोग पूरा टॉपिक आपको आ जाएगा, जो आप गड़बड़ करोगे ना वो इस पार्ट पे क्या कर दोगे गड़बड़, अब करोगे आप सही जाएगा, चलो एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ फिर आपके लिए, छोटा सा ही नंबर लिखा, बताओ इसको क्या लिखेंगे, आप बताएंगे क्या नाम है बच्चे आपका, मानवी, मानवी सॉल्व करा रहे हैं, बताओ बच्चे, ये कह रहे हैं सर हमसे पूछते ही नहीं हो आप, पीछे ही साइड देखते रहते हो, हम आगे बैठे हैं इसीलिए, चलो बोलो क्या करना चाहिए बेटा, सबसे पहले बेटा ब्रैकेट वाला पार्ट डील करेंगे, तो ब्रैकेट में अब तो और कुछ है नहीं है बेटा, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 और इस पे पावर कितनी है 2 प्लस बच्चे 5 तो ये कितना हो जाएगा 12 पे पावर 2, जो सिर पे बैठा होता है ना उसको क्या बोलते हैं पावर, ठीक है, जो सिर पे, अरे भाई सिर पे वही बैठ सकता है जिसपे क्या होती है पावर होती है, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 140, चले आगे, मतलब आपको बेसिक आइडिया लग गया, धीरे धीरे फिर हम प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है, चलो नंबर सिस्टम बताने से पहले अब इतनी ये बातें हो गई हैं, तो इसी जैसा हम एक पार्ट और भी कवर करते हैं, यहां तक ठीक है, सबसे पहले किसको डील करना है ब्रैकेट, फिर ऑफ, ऑफ आपके पूरे सिलेबस में नहीं मिलना है आपको, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और आप लोग कैलसी लेके नहीं आए हो, नहीं तो आपको मैं कैलकुलेटर पे बताता कि कैसे डील करते हैं, ठीक है, हाँ नेक्स्ट टर्न पे लेके आना, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, मुझे आप बताना कि क्या होना चाहिए, मैं भूल गया हूँ, आज सुबह सुबह किसी ने नाश्ता नहीं दिया घर पे, ऐसी भगा दिया है, तो मैं भूल गया हूं कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक्स एक ये लिखा हुआ है और एक ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएंगे या अलग अलग आएंगे, सेम आएंगे ना, कितने लोग कह रहे हैं सेम आएंगे, अब जैसे हाथ खड़ी करने के लिए बोलता हूं कोई नहीं होता है, सेम कितने लोग कह रहे हैं सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा, ओके, बाकी लोग का मतलब ये कहना है कि सेम आएगा, कोई ऐसा कह रहा है सर हम तो न्यूट्रल मूड पे है अभी डिस्टर्ब नहीं करो, हम लोगों को पता है वहां पे ही दिक्कत हो जाती थी, क्लास 6 में मैम ने टोका ही नहीं, हमारा जहां मन आता था ऐसे इक्वल लगा देते थे, अच्छे से भी नहीं लगाते थे,
और बस जिस दिन से आपने कहीं पे ऐसा इक्वल लगाना स्टार्ट किया वहीं से हमने मैथ को भूलना स्टार्ट कर दिया। ऐसे बेटा इक्वल का बहुत इंपॉर्टेंस है, इक्वल लगा कहाँ है। तो जो लोग कह रहे हैं कि सेम आंसर आएगा, गलत है बच्चे, सेम आंसर नहीं आएगा, क्या आएगा, अलग अलग। मेरे साथ चलना, इक्वल कहाँ लगा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हम तो ऐसे लगाते थे, हमें क्या फर्क पड़ता था, ऐसे करते थे ना टेंथ में, कहीं भी मार देते थे। भैया बहुत अंतर पड़ता है। इसका मतलब है एक नंबर x है। अच्छा ये चीज आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और जो बेटा ये पूरा पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। यहाँ पे ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। इक्वल ही बताता है कौन सा पार्ट न्यूमरेटर है और कौन सा पार्ट डिनोमिनेटर है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल लगा है बच्चे, ये इक्वल के सामने वाली लाइन। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो इसमें अपॉन में है ना, कभी भी ऐसे फॉर्म में लिखा हो बेटा, x अपॉन y अपॉन z लिखा है, तो ये z पता है कहाँ चला जाएगा। अब सर इसमें भी दो पार्ट हो गए, ये पार्ट न्यूमरेटर कहलाएगा, ये पार्ट डिनोमिनेटर। तो बच्चे अगर कोई चीज डिवाइड में है और उसके भी डिवाइड में है तो वो बेटा कहाँ पहुंच जाएगी मुझे बताओ, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो इसको लिखेंगे x into z upon y, याद रहेगा, अभी नहीं रहेगा, अभी मैं एक दो बार और बताऊंगा तब जाके याद होगा। यहाँ पे बेटा इसके अपॉन में कुछ है ही नहीं है, तो आप लिखना चाहो तो इसके अपॉन में क्या मान सकते हो, वन। तो ये वन तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। पर सर वन ले जाने का मतलब ही क्या है, तो भैया हटा दो इसको। अब यहाँ पे देख के आप बताओ बेटा, ये न्यूमरेटर है और ये इसका क्या है, डिनोमिनेटर। तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बच्चे ये होगा x अपॉन, आया समझ में। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, कभी भी ये वाला फॉर्म बने a अपॉन b, तो इसको ट्रीट करते हैं, किसको ट्रीट करते हैं, डिनोमिनेटर वाले को। अगर ये बेटा इक्वल का साइन यहाँ पे है तो ये वैल्यू कहाँ चली आएगी, नीचे आएगी, और अगर इक्वल का साइन यहाँ पे है तो ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, पक्का है, आ गया सबको। तो फिर मैं लिखूंगा एक क्वेश्चन आपके लिए, एक्स वाई अपॉन डब्लू जेड, क्या लिखूंगा इसको, एक सेकंड अभी सर, एक सेकंड, आप मेरे से ही कहोगे इक्वल सही में लगाया, बोलो क्या लिखूं इसको। सर देखिए न्यूमरेटर में कोई चेंज करने की जरूरत, डिनोमिनेटर में चेंज करने की क्या है, जरूरत है। तो बेटा जो ये नंबर है इसके अपॉन में ये नंबर है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन डब्ल्यू, ठीक है, पहले नोट कर लूंगा ना। और सबसे ज्यादा बच्चा इसी में गलती करता है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट। ये चीज ऊपर चली गई और सर इक्वल का साइन यहां पे है, ये इक्वल का साइन है, तो इस बार क्या होगा, ये वैल्यू यहां। क्या बता रहा है बच्चे कुछ तो, अब सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, क्योंकि जब टॉपिक रन कर रहे होंगे ना तो वहां पे अच्छे कंसेप्ट के साथ पर अगर ये चीजें बताएंगे ना तो कंसेप्ट भी क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, आगे चले। अगर मैं ऐसे लिखूं कोई बोलेगा नहीं, मैं सबकी कॉपी पे चेक करने आऊंगा।
लिया सबने? बेटा उसने कट कर दिया, ठीक है, एक ही चीज है। यहाँ सुनना, देखो मैंने कहा था ना कितनी छोटी सी चीज है, कई सारे लोगों ने गड़बड़ की, और अगर कुछ नहीं आता ना तो मुझे बताया करो। हमने केवल क्या ध्यान रखना था, इक्वल कहां पे, तो इक्वल बच्चे कहां पे आया, ये इक्वल आया। अब मुझे बताओ ये वाई कहां पहुंचेगा, और बच्चे ये अपॉन वाला फॉर्म है तो ये जेड कहां पहुंचेगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा x इंटू जेड, y बेटा नीचे आ गया होगा y डब्लू x। अब आप x से क्या भी कर सकते हो, x कट भी कर सकते हो, क्योंकि एक न्यूमरेटर में है और एक जिन्होंने ये भी लिखा वो भी सही है। तो ये आ जाएगा बच्चे z अपॉन y डब्लू या डब्लू y, एक ही। कई सारे लोगों ने गलत कर दिया, तो क्लियर है। आप इक्वल वाली लाइन को देखा करो, और अगर न्यूमरेटर में a अपॉन b का फॉर्म हो गया तो b कहाँ आ जाएगा बच्चे, नीचे। अगर डिनोमिनेटर में a अपॉन b का फॉर्म हो गया तो b कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। वैसे इसका कोई ज्यादा लोड इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये चीज हम किस में ही कर लेते हैं, कैलसी में, क्योंकि नंबर गिवन होंगे तो कैलसी में ही क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। बट अगर ऐसी वैल्यू लिखी है तो फिर हमें करना पड़ेगा। चलिए मैं एक और लिख के देता हूँ, आप इसको बताओ। थोड़ा सा बड़ा करूं या इतना ही रहने देता हूं? यही आया बच्चे। मुझे बताओ इक्वल ये लगा हुआ था, ये लाइन हो गई। सर आप न्यूमरेटर को मत परेशान करिए, वो पहले से ही अकेला है। अकेले इंसान को छेड़ोगे तो बहुत मारता है वो, वैसे ही टेंशन में तभी अकेला बैठा है ना। तो इसको तो परेशान करना ही नहीं है, टच ही नहीं करना है भैया, इसको इट इज नोट कर लो, नहीं गुस्से में आ गया तो बहुत पिटाई करेगा ये। अब मुझे बताओ डिनोमिनेटर में बच्चे क्या a अपॉन b का फॉर्म बन गया क्या? यस सर। तो जो अपॉन वाला है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा बच्चे 2yz और ये x ऊपर आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट करो या इतना ही रखे अभी करें, पहले इतना लिख लो। देखो कोई चीज ना तो टफ होती है और ना ही आसान होती है, आपके माइंड में सेट हो गई तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, इजी। और अगर नहीं सेट हुई तो हम ऐसी अक्कड़ बक्कड़ कर रहे हैं, आंसर ले आ रहे हैं, तो वो चीजें क्या है, टफ है। आप कहो सर ये एक पेज लिखा है, आप ये डिक्टो याद कर लो, 5 करोड़ रुपए दूंगा, मैं ट्राई नहीं करूंगा, मैं डिक्टो कभी लिख ही नहीं पाऊंगा, याद ही नहीं होता। आप बोलो सर ये बुक है पूरी कैसी है, प्रैक्टिकल टाइप में है, आपके पास 5 दिन है, मैं 5 दिन में ये बुक क्या कर सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ।
तो हमारा माइंड हमारे अकॉर्डिंग वर्क करता है। किसी को याद बहुत अच्छा होता है, जिसको याद बहुत अच्छा होता है वो थोड़ा सा मैथ में क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, पता नहीं क्यों। बहुत रेयर ही लोग होते हैं जिनको याद भी बहुत अच्छा होता है और मैथ भी क्या होती है, अच्छी होती है। तो मैथ बहुत सिंपल है, अगर आप बेसिक टर्म को एक बार माइंड में सेट कर लो। अब जैसे आप लॉ पढ़ोगे, कभी छोटा बच्चा होगा तो उसके लिए चीजें अलग होंगी, जिसने साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर स्टार्ट किया हो, है ना, अभी नहीं किया है, फिर कभी कभी ड्रिंक ड्रिंक करके आ गया तो कहानी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ड्रिंक करता है बट 10 बजे या 12 बजे रात को उसका दिमाग सही वर्क करता है, तब कहानी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। मैथ में बेटा चाहे वो ड्रिंक करके आए चाहे छोटा बच्चा हो, सबके लिए क्या होनी है, सेम। यानी इस कंसेप्ट में आपको एक सिंपल सी बात माइंड में सेट करनी है कि सर इक्वल को ध्यान रखना है, और अगर ए अपॉन बी का फॉर्म है, अगर न्यूमरेटर में है तो बी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में है बच्चे तो क्या हो जाएगा, ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ बना रहा हूं मैं, ठीक है। वैसे आज हम लोगों ने अपना सिलेबस से चेंज हो गए हैं, आज डिसाइड क्या किया था, क्या पढ़ेंगे, नंबर्स, है ना, कि इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, रेशनल, बट थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो गया। चलो कोई बात नहीं, इसको बताओ क्या आएगा। एक ऑप्शन ये, आप जेड से जेड ये क्या भी कर सकते हैं, क्या उचित न्यूमरेटर में, मुझे नहीं पता है, 2x² इन्होंने w नहीं लेके आए। चलो बेटा आपने डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना w, ये भैया मेरा आंसर नहीं था, आप लोग अपना अपना आंसर निकाल लो फिर मेरे से वेरीफाई करना। मैथ बड़ी सिंपल कहती है इक्वल को पकड़ लो, पकड़ लिया इक्वल को, जो पार्ट हम जैसा प्रोसेस कर रहे थे वो प्रोसेस स्टार्ट कर दो। अरे सर यहाँ पे क्या समस्या आ गई, ये वाला पार्ट है सर, इसको कैसे टैकल करेंगे। अरे कोई समस्या नहीं है, इस पूरे को अभी क्या मानो, एक नंबर मानो, इस पूरे को क्या मानो बच्चे, हमें तो सर इतना आता था, ये ए हो गया, ये इक्वल का साइन है, ये लाइन हो गई, ये ए हो गया, इसके अपॉन वाला पूरा का पूरा क्या है बच्चे, बी है। किसी को दिक्कत है क्या इसमें, नहीं आया, आ गया। मैं तो ये कह रहा हूं ये उसने ऐसे इक्वल लगा दिया, इसके बाद वो कुछ भी लिखे वो हमें क्या ही दिखेगा, बी दिखेगा, क्या दिखेगा, बी दिखेगा। ठीक है बच्चे, तो अब मुझे बताना मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। सर सबसे पहले आप क्या करिए, इस वाले पार्ट को नीचे लाइए, तो ये हो जाएगा 2xy, बेटा ए भी पहले से था और क्या आ गया, जेड डब्ल्यू। अब मैं ये वाला पार्ट अभी इसको इटेज रखता हूँ या इसको ऊपर ले जाऊं, पूरे को, इस पूरे पार्ट को मैं ऊपर ले जाऊंगा बच्चे, तो ये इनटू में एक्स जेड अपॉन, ये पूरा बेटा ऊपर इनटू में आता था ना, ये पूरा इनटू में आता था, तो लिख लो भैया एक्स जेड अपॉन, नहीं आया, फिर से एक बार और ट्राई मारेंगे, कोई बात नहीं, तुम लोगों के चेहरा भी बिल्कुल एकदम। पहले मुझे बताओ क्या ये ए लिखा है सर, आपको कहां से दिख रहा है, मुझे ए ही दिख रहा है ये, और इसके अपॉन में क्या लिखा है, बी। ये तो न्यूमरेटर की कहानी हो गई सर, जो भी बी होता है ना वो कहाँ आता है,
सर इक्वल वाला लाइन दिख रही है? हाँ मुझे इक्वल वाली लाइन दिख रही है। अब मुझे बेटा आप बताओ, ये पूरा ए दिख रहा है और ये जो नीचे है ये पूरा क्या दिख रहा है? बी। तो बच्चे ये पूरा का पूरा उठ के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। बस इतना सा काम करना था। तो क्या लिख लूं मैं सर? 2xy, ये बच्चे अपॉन में आ गया zw और इनटू क्या कर देंगे? ab, और यहाँ पे बच्चे आ जाएगा इनटू xz अपॉन 5। ये एक पूरा नंबर है, इसको और सिंपल कर लो बच्चे। तो 2x और x कितना हो जाता है? और अपॉन में बेटा ये 5 अपॉन में आ जाएगा। नहीं तो मैं तो बेटा किसी कह नहीं रहा हूँ किसी का गलत था या सही था, मैं तो ये बोल रहा था कि ये समझ में आ गया। अब पता एक सिंपल सी कहानी और है, ये तो मैंने आपको जनरल बताया, पहले इतना नोट कर लो फिर मैं आगे बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, इनका काम वही कर दिया। ये क्या कह रहा है सर, क्यों आप पागल बना रहे हो हमें? एक छोटा सा आप ये काम कर दो ना कि ये वैल्यू देखो, ये अपॉन में है और इसके अपॉन में, ये तो हम ऊपर ले जा रहे हैं, एक ही बात है बच्चे। नोट हो गया क्या ये? चलो मैं आप एक और सिंपल तरीका बताता हूँ। हाँ अब आपको बेटा जो नंबर सेम लगे उसको उससे क्या कर दीजिएगा? कट कर दीजिए। सबसे लेंदी कर दिया, अब इससे लेंदी क्या पूछेगा वो हमसे? ठीक है, बाकी क्या होता है बेटे, नंबर होता है ना तो वो कैलकुलेटर में हम क्या कर लेते हैं, हम कैलकुलेटर में ही सॉल्व कर लेते हैं। रफ कर दूं मैं इसको, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे, ध्यान से देखना सब लोग। मैं यहां पे लिखता हूं a अपॉन b, हमें बचपन में ऐसे पढ़ाया गया था, शायद आपको ये कोरिलेट कर जाए, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में, ऐसे पढ़ाया गया था क्या बचपन में? बेटा वही सेम बात है, इसका इसके साथ में और इसका, वही तो कर रहे थे हम लोग इतनी देर से। तो बच्चे बोलो ये क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ में कर दो और इसका इसके साथ में पूरा कर दो, ये पूरा एक साथ, तो ये आ जाएगा 2xy xz upon 5 और बोलो zw into ab। कम समझ में आया ये वाला पार्ट, दोबारा घर पे ट्राई करना, कोई बात नहीं, कल हम फिर से इसकी बातें करेंगे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डन इतना, आज हल्का आइडिया दे देता हूं, बाकी ये चीजें लिखेंगे कल। हमें आज बात करना था नंबर्स की, कैसे कैसे नंबर होते हैं। तो सबसे पहले नोट नहीं करना है, केवल आज हमने डेटा मन में थोड़ा सा डाल ले रहे हैं, कल प्रॉपर वे में लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करें बेटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सुने हैं क्या सर? किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एन से। जैसे बेटा नोट की काउंटिंग करते हैं तो कैसे करते हो कोई बताओ मुझे? 1 2 3 4 ऐसे तो नहीं करते क्लास में कि सर 1 नोट है, 1.2 नोट है, 1.3 नोट है, ऐसे करते हो क्या? नहीं सर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो बेटा नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7, कहां तक होंगे ये? तो कहते हैं बच्चे इसको हम, और अगर लिखना चाहें तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव इंटीजर। ये होता क्या अभी डिस्कस हो जाएगा। तो क्या सबको नेचुरल नंबर समझ में आ गया? बोलो नेचुरल नंबर क्या होता है? एन। और ये होंगे क्या? 1 2 3 4। बेटा नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से ही होता है? 1 से। कभी ऐसे नोट गिनते हो क्या सीधे? 10 11। हमेशा क्या बोलते हो? 1 2 ऐसे गिनते हो ना। चलो इसके बाद बात करेंगे होल नंबर। किसी को आता कोई बताएगा मुझे? मैं भूल गया हूँ सर। इतना ध्यान रखना है नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, बट होल नंबर में क्या होता है? जीरो आता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहां तक? मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 0+ नेचुरल नंबर।
मुझे नहीं पता, आप लोग हाँ करो तो मैं लिख लूं। हाँ सर, और क्या, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5, बस क्या शामिल नहीं होता बेटा, जीरो शामिल नहीं होता है। चलो इंटीजर की बात करते हैं, कल इसको अच्छे से नोट करेंगे, आज नोट नहीं करो, है ना। इंटीजर, इंटीजर से पहले हम लोग एक बात करते हैं फ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं? तो बेटा फ्रैक्शन का मतलब होता है कौन सा फॉर्म है। अब यहाँ पे पाई आई की बातें मत करना क्योंकि हमारे सिलेबस में पाई आई आता नहीं है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा जिसका फॉर्म क्या हो, पी वाई, यानी सिंपल से जो पॉइंट में आए, बच्चे किसमें आए, जो पॉइंट में आए। तो अगर ऐसी वैल्यू आ रही है 1.3, 1.4, माइनस का 1.4, माइनस का 8.5 या कुछ भी नंबर लिख लो, अगर पॉइंट में बन रही है बेटा तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रैक्शन। और इंटीजर का मतलब होता है बच्चे जो फ्रैक्शन का पार्ट ना हो, यानी इंटीजर में बेटा आपके जो आएंगे, मैं यहां पे लिखता हूं, इंटीजर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहां तक आपका दिल करे, -1, -2, -3, -4, -5। समझ में आ गया? क्या क्या बातें की थी एक बार नोट कर लेते हैं। नेचुरल नंबर 1 से होल नंबर 0 भी आ जाता है, 0, 1, 2, 3। फिर सर हमने बात की है इंटीजर की, तो इंटीजर बेटा कैसे हमारे ये लिखे हुए हैं, क्या बच्चे, नहीं नहीं हम सेट की तो भी बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब वो आप ऐसे वो नहीं, अभी तो हम जनरल इतना इन डेप्थ में नहीं ले जा रहे, नहीं बाकी बच्चे परेशान हो जाएंगे। अभी तो हम बिल्कुल जैसे क्लास 5th में पढ़ाया जाता था ना, वही पढ़ रहे हैं। जब स्पेसिफिक टॉपिक आएगा तब हम बात करेंगे कर्ली ब्रैकेट लगाना है या नहीं लगाना। यहाँ सुनना बच्चे, एक बात और करा दो, क्या ये सारे नंबर पॉजिटिव दिख रहे हैं क्या? तो इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। बोलो क्या बोलते हैं? और ये वाले पार्ट कैसे दिख रहे हैं? और जीरो बेटा बहुत दुख है, जीरो और वन के साथ बहुत दुख है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव, ठीक है। चलो बेटा इतना ही रखते हैं, एक बार जल्दी से रिकॉल कराओ हमने क्या क्या पढ़ा है आज। होल्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और सर एक छोटा सा पार्ट पढ़ा है इक्वल कहां लगाया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इक्वल के अगर न्यूमरेटर में a अपॉन b का फॉर्म है तो b कहां आ जाएगा, नीचे नीचे आ जाएगा बेटा। और मुझे बताओ अगर ये डिनोमिनेटर में है और a अपॉन b का फॉर्म है तो ये कहां आ जाएगा, बस इतना ही पढ़ा है बेटा हम लोगों ने आज, ठीक है। चलो थैंक यू बच्चे।